हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता। आप देख रहे हैं टेक गोविंद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि है मेरे पास सोनी का NX200 वीडियो कैमरा। इसके बारे में अगर आपके पास सोनी का NX100 या NX200 वीडियो कैमरा है, अगर आप इसकी जो सेटिंग है मैनुअल पर चलाना नहीं जानते, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अगर आपको ये नॉलेज पहले से ही है कि मैनुअली इस कैमरे को किस तरीके से चलाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा स्किप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं नॉलेज है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए आते हैं अपने जो कैमरे की स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपने जो कैमरे की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि हमारा जो कैमरा है या ऑटो पर चल रहा है या मैनुअल पर, तो आपको ये सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा जो कैमरा है ये ऑटो पर चल रहा है या मैनुअल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे IRS आपको दिख रहा होगा AF 2.8। तो मतलब ए का मतलब होता है यहाँ पे ये कि ऑटो पर चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो A9 dB, तो ये हमारा जो गेन है वो भी ऑटो पर ही चल रहा है। और यहाँ पे A50 ये है शटर स्पीड, तो आप देख सकते हो ये भी जो कैमरा है ऑटो पर चल रहा है। जो मेरी तीनों सेटिंग है वो ऑटो पर ही चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें आपको मैनुअल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो शटर स्पीड वाला बटन है, यहाँ पे नीचे चार बटन दिए गए हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे आपको गेन वाला बटन है, यहाँ पे वाइट बैलेंस और शटर स्पीड और फुल ऑटो वाला बटन है। तो मैं एक बार जो गेन वाला बटन है उसे मैं प्रेस करने वाला हूँ। तो एक बार मैंने जो गेन प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो 9 dB के से आगे से यहाँ से ए हट चुका है। तो ये हमारा जो गेन है वो मैन्युअली तरीके से अब काम करेगा। तो ऐसे हमें आप देख सकते हो, जो मेरे वीडियो में आपको लाइटिंग ज़्यादा बढ़ानी या घटानी है तो यहाँ पे नीचे एक टोंगल दिया होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये टोंगल दिया होता है, यहाँ पे ये गेन वाले बटन के बगल में ही जस्ट यहाँ पे ये टोंगल दिया होता है। जैसे ही हम इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा गेन है वो बढ़ने लगेगा, और नीचे करेंगे तो हमारा जो गेन है वो डाउन होने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं टोंगल को ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा गेन है वो गेन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो गेन है, मेरा जो गेन है वो मैंने 21 dB कर दिया है। तो आपको जो गेन है वो 21 dB तक ही रखना है अगर आप मैनुअल पर चला रहे हो। तो अगर आप 21 dB से ज़्यादा गेन रखते हो तो जो आपकी वीडियो है उसमें जो नॉइस है वो नॉइस आने लगती है। तो ये पहला जो गेन के बारे में बता चुका हूँ। अब दूसरा स्टेप है जो कि है IRS। तो यहाँ पे जो IRS वाला बटन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये IRS वाला बटन दिया गया है, मैं इसे एक बार प्रेस कर देता हूँ। एक बार प्रेस जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से F5.2 के आगे से A का जो वैल्यू है वो हट चुका है, A यहाँ से हट चुका है। तो आप देख सकते हो जो F5.2 है वो यहाँ इसके सामने A लिखा था वो यहाँ से हट चुका है। तो अभी ये मेरा जो मैनुअली काम करेगा IRS। तो मैं सबसे पहले इस रिंग को घुमाता हूँ। इस आपको अगर ये IRS मैनुअली सेट करना है तो ये रिंग से काम करता है, ये टोंगल से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी जो लास्ट वाली रिंग होती है, यहाँ पे आपको तीन रिंग दिखाई दे रही होंगी। जो NX100 है, NX200 वीडियो कैमरा है, उसमें तीन रिंग दी हुई होती हैं। तो सबसे पहली जो छोटी वाली रिंग होती है वो IRS की होती है, और दूसरी होती है जो कि जूम की होती है, वो सबसे आगे होती है, वो फोकस वाली होती है। तो मैंने यहाँ पे जो अपना जो IRS है वो मैनुअली बटन दबा के मैनुअली प्रेस कर दिया है, और अब मैं इसे मैनुअली सेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, मैं इस रिंग को एक बार घुमाऊंगा। जैसे ही रिंग घुमाऊंगा तो आप देख सकते हो जो मेरा IRS की वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रही है। मैं रिंग को इधर उधर घुमा रहा हूँ तो जो मेरी जो IRS की वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको एक दोबारा से, मैं रिंग को घुमा रहा हूँ
तो जो मेरी जो आयरस की वैल्यू है वो कम और ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से जो आपका जो आयरस है वो इस तरीके से आप मैनुअली सेट कर सकते हो। और जो तीसरा है वो है शटर स्पीड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए आपको अभी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रही है, A100, जो कि मैं अगर आयरस को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप जो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है आप देख सकते हो। तो इसे मैनुअली तरीके से किस तरीके से सेट करना है, तो सबसे पहले मैं मेरा जो बटन है शटर स्पीड वाला, मैं यहाँ एक बार बटन को प्रेस कर देता हूँ। एक बार मैंने जो बटन है वो प्रेस कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे मैंने एक बार बटन प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी शटर स्पीड 150 है, 150 है। तो मैंने आप देख सकते हो मैंने एक बार शटर का बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरी शटर स्पीड है वो मैनुअली काम करने लगी है। अगर मैं ऐसे आरएस को कम ज़्यादा करूँगा तो ये अब कम ज़्यादा नहीं होगी शटर स्पीड। तो सबसे पहले अब मैं ऐसे कम ज़्यादा कैसे करना है, मैंने इससे पहले आपको बताया था यहाँ पे एक टोंगल दिया होता है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टोंगल दिया होता है, इसे अप करोगे तो जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ने लगती है और डाउन करोगे तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है। तो सबसे पहले मैं ऐसे शटर स्पीड को आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो मैं टोंगल को ऊपर की तरफ करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो शटर स्पीड है वो बढ़ रही है। अगर मैं इसे नीचे डाउन करूँगा तो मेरी जो शटर स्पीड है वो कम होगी। तो शटर स्पीड आपको कितनी रखनी है, तो मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे आपको शटर स्पीड है वो 60 ही रखनी है, 60 ही रखनी है। इससे नीचे जैसे ही आप ले जाते हो तो शटर स्पीड आपकी जो मैनुअल है वो चली तो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 हो गई, 25 हो गई, 12 हो गई, यहाँ चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वीडियो में जो कि जर्क आने लगते हैं वो इस तरीके से, जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वीडियो में इस तरीके से जो कि जर्क आने लगेगी। तो मैं तो मैंने आपको ये तीनों सेटिंग बता दी हैं, ये आपका जो कैमरा है फुली मैनुअल पर चल रहा है, तो इस तरीके से जो अपना NX100, NX200 वीडियो कैमरा है उसे मैनुअल पर चला सकते हो। इस तरीके से जो आपका NX100, NX200 कैमरा है उसे आप मैनुअली मोड पर चला सकते हो और बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हो, तो बढ़िया क्वालिटी निकाल सकते हो अपने जो वीडियो कैमरा है उससे। तो मैंने ये तीनों सेटिंग है मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके जो लाइटिंग ज़्यादा हो रही है तो आप आयरस को कंट्रोल कर सकते हो, आयरस से लाइटिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि आपको जो शटर स्पीड है वो आपको 60 ही रखनी है, और जो कि आपको अगर आप 60 से नीचे ले जाते हो तो आपकी जो वीडियो में जर्क आने लगते हैं, और 60 से ऊपर आप ले जा सकते हो। और यहाँ पे जो कि है 21 dB गेन बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे जो कि आपको गेन है वो आपको 21 ही रखना है, 21 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर आप 21 से ज़्यादा ले जाओगे तो आपकी वीडियो में जो कि नॉइस आने लगेंगे, और आयरस को आपको इस तरीके से इस रिंग से आपको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपकी लाइटिंग ज़्यादा आ रही है तो कम, अगर आपके में जो लाइटिंग कम आ रही है तो आप इसे कम कर सकते हो, और इस लाइटिंग ज़्यादा आ रही है तो इसे आप F11, F10 इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।